अरे धुसका बर्रा खाएंगे और झारखंड में बस जाएंगे, गाना तो आपने सुना होगा। ठीक है, तो आज उसी धुसके की रेसिपी मैं लेकर आया हूँ और आपके साथ शेयर करूँगा कि आखिर ये झारखंड का फेमस धुसका बनता कैसे है। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं झारखंड का धुसका बनाने की रेसिपी। तो धुसका बनाने के लिए सबसे पहले ज़रूरत है चावल की। तो ये बासमती चावल है, मैंने एक कप बासमती चावल को 4 से 5 घंटे तक भिगो कर रखा हुआ है। अब इस चावल को ग्राइंडर जार में डालेंगे और साथ में डालेंगे हम उड़द दाल है, इसे भी 4 से 5 घंटे तक भिगो कर रखा हुआ था, पानी छान लिया है। और साथ में 1/4 छोटा कप मैंने लिया हुआ है चना दाल, इसे भी भिगो कर रख लिया है और पानी निकाल लिया है। अब इन 3-4 चीज़ों को मिलाकर हम बढ़िया पेस्ट बनाएंगे। तो ग्राइंडर जार में हम सबसे पहले डालेंगे हमारे चावल जो हैं, एक कप चावल थे मैंने आपको पहले बता दिया है, ये चावल ग्राइंडर जार में चला गया। इसके बाद 1/2 कप उड़द दाल है, ये भी डाल देंगे इस पे, ये डाल दिया। साथ में अब चने की दाल, ये भी डाल देते हैं। थोड़ा सा स्पाइसी फ्लेवर के लिए 3 हरी मिर्च, थोड़ा सा अदरक और 4 से 5 कलियां लहसुन की, ये भी डाल देते हैं। पीसने के लिए थोड़ा सा पानी डालेंगे, इतना पानी डालेंगे कि हमारा जो ये मिक्सचर है बढ़िया तरीके से पिस जाए। ज़ीरा, बहुत कम ज़ीरा लिया है, ज़ीरा डाल लिया। और अब हम बंद करेंगे और इसे पीस कर बढ़िया पेस्ट बना लेते हैं। तो हमने सभी चीज़ों को बढ़िया तरीके से पीस लिया है। अब ज़रा ये बैटर का मिजाज देखते हैं कैसा है, बिल्कुल फाइन पेस्ट है जैसा अपने को चाहिए होता है। और इसे अब एक बाउल में निकाल लेते हैं। अब इस बैटर में मैं डालूँगा नमक, 1 छोटा चम्मच नमक है, स्वाद के अकॉर्डिंग आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये नमक डाल दिया, थोड़ी सी हल्दी, बहुत कम, 1/4 छोटा चम्मच हल्दी ली है मैंने, ये हल्दी डाल दी। और इसमें बारीक कटी धनिया पत्ती, ये भी डाल ली। और इनसे बढ़िया तरीके से मिला लेते हैं। तो जब तक मैं इन सारी चीज़ों को मिलाकर पेस्ट बना रहा था, उससे पहले मैंने कढ़ाई में तेल गर्म होने के लिए रख दिया था, ताकि हमारा जो धुसका है उसे फ्राई करने के लिए ज़्यादा समय न लगे तेल गर्म होने के लिए। तो अब बाकी सब चीज़ें तैयार हैं, ये भी बढ़िया तरीके से मिक्स हो गया है। तेल गर्म हुआ है या नहीं ये भी चेक करने का तरीका है एक, वो मैं आपको बता देता हूँ। थोड़ा सा बैटर लेंगे और तेल में डालेंगे, हाँ लगभग हो गया है। इसका एक फंडा ये है कि जैसे आप तेल में कुछ चीज़ें डालेंगे जो बैटर की, वो तेल पर जैसे ही पड़ेंगी वो ऊपर आ जाएंगी। इसका मतलब है कि आपके तेल तैयार है, चाहे आप उसमें धुसका तलिए या पूड़ियाँ तलिए, कुछ भी तलने वाली चीज़ें जो हैं। तो अब इसे निकाल देते हैं। तो तेल हमारा बढ़िया तरीके से गर्म हो चुका है, अब इस पर मैं कड़छी से बैटर डालूँगा। पहले हम एक धुसका तलते हैं, उससे पता भी चल जाएगा कि तेल कितना गर्म हुआ है नहीं हुआ है। आप देख रहे हैं बढ़िया तरीके से ये फ्राई हो रहा है, और इसके ऊपर ऐसे तेल डालते जाएंगे आप, तो ये ऊपर साइड से भी थोड़ा सा करारा हो जाएगा। तो इस धुसके को हमें हल्का गोल्डन ब्राउन होने तक इसे फ्राई करना है, जैसे पूड़ियों का कलर होता है। इसे पलट देंगे और पलट कर भी तल लेते हैं।
तो आप देख रहे हैं इस तरीके से मैंने भुस्का तल लिया है। कोई कन्फ्यूज़न ना हो इसलिए आपको फिर से बता दे रहा हूँ, ये मेरा थोड़ा सा बैटर और बचा हुआ है तो इसे बीच पे डाल दिया और किनारे भी डाल दिया। थोड़ा सा ये हो गया। एक चीज़ और कि आप तेज़ आंच पर अगर भुस्का फ्राई करेंगे तो बहुत जल्दी पक जाएंगे और कच्चे नहीं रहेंगे, तो इस बात का बहुत ध्यान रखना है आपको कि जो आंच है, तलने वाली आंच है, तेल है, वो बहुत बढ़िया गर्म होना चाहिए। तो ये आखिरी के जो भुस्का मैंने तले थे ये भी हो गए हैं और इन्हें निकाल लिया मैंने। तो जब ये भुस्का बिल्कुल बनकर तैयार हैं तो इनकी प्लेटिंग कर लेते हैं, मतलब इन्हें किसके साथ सर्व करना है ये भी आपको बता देता हूँ। तो भुस्का है, भुस्कों को बढ़िया आलू की तरी वाली सब्जी के साथ में झारखंड में परोसा जाता है, तो मैंने पहले ही आलू की तरी वाली सब्जी बनाई हुई है और इसके साथ अब मैं ये भुस्का रखता हूँ। तो देखा आपने कितना आसान है भुस्का बनाना। जिस गाने को लेकर, जिस गाने में भुस्के का जिक्र था उसको लेकर आप बहुत परेशान थे कि आखिर ये भुस्का होता क्या है, मैंने आपको बता दिया है कि ये भुस्का होता क्या है, कैसे बनता है। तो अब देर मत कीजिए, फटाफट आप भी मेरी इस रेसिपी से घर पे बनाइए शानदार लजीज भुस्का और मुझे बताइए कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर भी कर दीजिए। और हाँ, अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कर लीजिए। ठीक है, तब तक लीजिए ददन भाई का बहुत प्यार भरा सलाम।